जुलम की चक्कर में लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण को लेकर वे फोर लेन कराने को लेकर इलाके के प्रमुख लोग वे समाजसेवी लोगों ने पैदल मार्च मेवात की राजधानी बड़कली चौक से लेकर नुहू सचिवालय तक निकाला। हम आपको बता दें दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग जहां खूनी रोड के नाम से मेवात जिले में जाना जाता है, आए दिन इस रोड से जहाँ दुर्घटनाएँ हो रही हैं, ऐसे में इलाके के मौजूद वे समाजसेवी लोगों ने रोड को फोर लेन कराने के लिए हरियाणा सरकार को एक चेतावनी दी है कि दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्द फोर लेन किया जाए। और जो सचिवालय है वहाँ पर उम्मीदवार की आवाज बनने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी समाज और गठबंधन लोग इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं बहुत बुजुर्ग मार्च 2021 को हुआ था, आज 2022 है, 30 मार्च 2022 ये कंटिन्यू है। पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहे हैं। और हमारा मकसद यही है, जो खोड़ी हाईवे 248 है नौ से अलवर सीमा तक, उसको फोर लाइन किया जाए, चौड़ाया जाए, यही एक मकसद है। और इसी मकसद को लेकर हम यहाँ एक जो होकर पैदल मार्च कर रहे हैं, और जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेगी, और हम इससे भी बड़ा आंदोलन बेसर साहब, दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग की ये तस्वीरें हैं लगातार, जिसको लोग खूनी रोड का नाम भी दे चुके हैं। आज आप लोगों ने कहां से ये पैदल मार्च शुरू किया और कहां तक ये मार्च जाएगा और क्या पर्पज था इसका? ये पिछली बार 30 मार्च 2021 को बड़कली से लेकर और नुहू सर्कुलेट तक किया था, लगभग 27 किलोमीटर का मार्च किया था, हजारों की संख्या में शामिल हुए थे। इस साल भी बड़कली से लेकर सर्कुलेट तक हो रहा है, और सरकार जो हमारी मांगों के लिए उदासीन उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं, उसके खिलाफ ये रोषपूर्ण पैदल मार्च है। और इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा, बीच बीच में चलता ही रहता, आप सब देखते हो। और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द खूनी हाईवे को फोर लेन करे, चौड़ा करे। अब तक 10 सालों में तकरीबन 1800 मौतें मेवात से हुई हैं, कितनी माएँ बहनें विधवा हो चुकी हैं, और सरकार को फिर भी शर्म नहीं आती। इतनी निकम्मी और नालायक सरकार शायद ही पहली बार हम देखने को मिल रही है। और हम चाहते हैं कि ये सत्ता परिवर्तन का कारण भी बनेगा हमारा आंदोलन, ऐसा हमें लगता है। इसे नुहू तक का प्रोजेक्ट है, और इसमें आपने पीछे भी देखा होगा कि ये पहले भी एक साल पहले भी इसको किया गया था। और जिस हाईवे पे हम खड़े हैं, ये बहुत पुराना हाईवे है, अंग्रेजों के टाइम का हाईवे है, लेकिन इस पे सरकारों ने हाजिरी नहीं मानते, हम क्रेडिट और मानते हैं। बड़ा दुखी होता है कि हमारे जो नेता है कभी ध्यान नहीं देते, और उसको हम क्रेडिट साहब में देंगे। आज से 10 साल पहले ये हाईवे फोर लाइन बन जाता है, और 3 किलो हमारे जितने भी लोग हैं, जो हमारे इसमें समाज के लोग जो जुड़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गर्मी के मौसम में हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी जो पैदल चल रहे हैं, आपकी टीम यहाँ मौजूद है काफी इलाके के, अनीस भागस क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और आरिफ ठेकेदार और अजीज अख्तर पिछली साल 2021 को अजीज अख्तर अभी जुड़े हैं शायद, तो सरकार ने कुछ दिनों बाद उसे मैं बाबा की वैसे मजा लूँ, लेकिन मेरे बाबा वो झूठी बात है, अभी जुड़ा है फिर एक और आज फिर हमने ताकि सरकार को पता लगे कि मेवात के अंदर, और हमारे संघर्षशील साथी बरकत मलिक अब हम से आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि सुबह से मेहनत कर रहे हैं इस रोड पर रात दिन एक, और हमारे मुशाहिद गंडूड़ी उजड़ रहे हैं बागौड़ियाओं के लेकर, आज हम फिर से पैदल मार्च करें ताकि रोड जी सरकार इस रोड को फोर लाइन करे।